नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और नए वीडियो पे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ हॉकी वर्ल्ड कप, FIH हॉकी वर्ल्ड कप के पहले दिन के बारे में, जहाँ पर इंडिया का मुकाबला हुआ था। उस मैच के एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे, किस तरह से मैच हुआ और क्या गलतियाँ स्पेन ने की, भारत के लिए क्या प्लस पॉइंट्स रहे, प्लस क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे। तो पहले स्पेन की गलतियां कर ली, तो स्पेन प्रेशर ही नहीं डाल पाए इंडिया पे, वो एकमात्र गलती स्पेन की रही और डिफेंसेस में एरर्स हुए, आई थिंक स्ट्राइकिंग में भी काफ़ी एरर हुए। और जब 10 मिनट का जो मैन एडवांटेज स्पेन के पास था, मैन एडवांटेज था, इंडिया वन मैन डाउन खेल रहा था, उस टाइम पे स्पेन ने उस मैन एडवांटेज को कैपिटलाइज नहीं किया। यानी कि जब अभिषेक को येलो कार्ड मिला था इंडिया के, उनको 10 मिनट का सस्पेंशन मिला था मैच से, तो उस 10 मिनट के सस्पेंशन को कैपिटलाइज नहीं कर पाए स्पेन वाले और गोल नहीं मार पाए। हालांकि उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, बट अगेन हमारे गोलकीपर उस टाइम पे पाठक थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया। श्रीजेश ने लाजवाब काम किया पहले दो क्वार्टर्स श्रीजेश ने किया गोलकीपिंग। जैसा कि आप जानते हैं हॉकी में 15-15 मिनट के दो क्वार्टर्स होते हैं और चार क्वार्टर्स में हॉकी गेम खेला जाता है। दो क्वार्टर्स का पहला हाफ बन जाता है और अगले दो क्वार्टर्स का एक हाफ होता है, तो ऐसे 60 मिनट का ओवरऑल गेम चलता है जिसमें 15 मिनट के चार क्वार्टर्स होते हैं। तो इन चारों क्वार्टर्स में उससे इंडिया ने डोमिनेट किया, 2-0 की जो लीड हमें मिली है। एक हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया और एक और स्ट्राइक, और इसी तरह से हम 2-0 से आगे रहे और इस पूरे मैच में दो ही गोल कर पाए। इंडिया ने 2 गोल मारा है, स्पेन एक भी गोल नहीं किया, और इंडियन टीम ने आई वुड से कन्विंसिंग विक्ट्री जरूर दिखी स्कोर लाइन से। हालांकि अगर आप स्कोर कार्ड देखो तो 2-0 वो साउंड नहीं करता जो होना चाहिए, लेकिन अगेन बिलीव मी 75% बॉल पोजिशन अगर आप रखते हो, 70-75% पूरे मैच में अगर बॉल पोजिशन आप अपने पास रखते हो, तो कहना होगा कि क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम। जिस तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट 70%+ बॉल पोजिशन अपने पास रखी है, बेहतरीन तरीके से रखी है, और ये क्रेडिट जाता है इंडियन टीम को, इंडियन प्लेयर्स को, जिस तरह से उन्होंने पास किया है, बॉल को मनूवर किया है, अग्रेशन भी दिखाया है। पर प्रॉब्लम ये रहा कि शॉट्स ऑन गोल हमने ज़्यादा नहीं लिए और ये एक खामी रही। अगर बड़ी टीम के अगेंस्ट हम खेलेंगे तो ये चीज़ हमें आई थिंक बहुत ज़्यादा खल सकती है, खासकर इंग्लैंड जो कि हमारे ग्रुप में तगड़ी कॉम्पिटिटर होगी हमारे लिए। तो आगे नॉकआउट स्टेजेस में भी ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। शॉट्स ऑन गोल भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लेने होंगे। शॉट्स ऑन गोल यानी हम जब विरोधी टीम के सर्कल को पेनिट्रेट करते हैं, अंदर जाते हैं उनके डी लाइन पे, तो जो गोल पे शॉट्स है वो भारतीय टीम कम ले रही थी, लिया लेकिन बहुत कम लिए, और लिए भी तो ज़्यादातर अनएक्यूरेट शॉट्स रहे। हमको पहले गोल भी पेनल्टीज से ही मिले, तो जो मेजॉरिटी हमारे गोल आते हैं पेनल्टी से आते हैं, तो फील्ड गोल में भी हमें ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से कॉम्बिनेशन खेला है टीम का, ज़बरदस्त बहुत क्लियरिटी दिखाई है कोच ने, काफ़ी क्लियरिटी के साथ इंडियन टीम उतरी थी कल फील्ड में, और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि राइट फ्रॉम द वर्ड गो जिस तरह से इंडियन टीम ने क्लियरिटी ऑफ थॉट दिखाया कि किस तरह के प्लेयर को कौन सा पोजीशन है, रोल्स प्लेयर्स को पता है, क्योंकि पिछले एक दो साल ही हो गए ऑलमोस्ट सेम ग्रुप मेंटेन किया हुआ इंडियन टीम ने, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सेम ग्रुप खेला था, और अगेन हमने देखा कि ओलंपिक्स में जो टीम हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी ऑलमोस्ट सेम ग्रुप रहा, इस वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट सेम ग्रुप है। तो आई वुड से कि क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि लगातार बड़े टूर्नामेंट्स खेल के आ रहे हैं साथ में, तो वो मेंटेन दिख रही है। हार्दिक की एनर्जी जबरदस्त लग रही है एज ऑलवेज। अनिल कांता ने बढ़िया परफॉर्म किया। आई थिंक अभिषेक की जो गलती है वो बड़े मैचेस में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभिषेक ने जो हालांकि कह सकते हैं कि जो उनको फाउल दिया गया उसमें भी वो येलो कार्ड डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन रैशनल अग्रेशन अपने डी लाइन के इतने करीब करना डेंजरस हो सकता है बड़े मैचेस में भी, क्योंकि अगर इंग्लैंड जैसी टीम देखे तो उनको अगर आप एक वन मैन एडवांटेज दे देते हो, अगर उनके 11 खिलाड़ी और हमारे 10 खिलाड़ी, क्योंकि क्या होता है जब हॉकी के नियमों के अनुसार कि अगर टीम किसी खिलाड़ी को अगर 10 मिनट का सस्पेंशन मिल जाए तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आता, यानी एक खिलाड़ी आपका दर्शक बन जाता है, वो खेलेगा ही नहीं, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा, तो आप फिर 10 खिलाड़ियों के साथ रह जाते हो, और जब 10 खिलाड़ियों के साथ आप रह जाते हो तो एक सामने वाली टीम के पास मौका होता है कि आपके गोल को भेज सके, क्योंकि सामने वाली टीम के पास 11 खिलाड़ी होते हैं और आपके पास सिर्फ 10 खिलाड़ी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कह सकते हैं बड़ी कम वो होती है
ऐसे सस्पेंशन में एक बहुत ज्यादा वो होता है, जो टीम सस्पेंशन हारती है यानी जिस टीम को के खिलाफ वो फाउल जाता है उस टीम को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है उस चीज का। तो इंडिया को कल भुगतना पड़ा आखिरी क्वार्टर में, वो भी काफी क्रूशल समय में। अभिषेक की गलती हुई और सस्पेंशन उन्हें मिला 10 मिनट का, और वो सस्पेंशन भारी भी पड़ सकता था अगर स्पेन के जगह पे वेल्स या इंग्लैंड जैसी टीम होती तो। इवन वेल्स भी आराम से दो एक या दो दो तो कर देते स्कोर लाइन को, और अगर इंग्लैंड जैसी टीम को अगर आप ये ऑफर देते तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। फिर अगर आपको इंग्लैंड जैसी टीम की स्ट्रेंथ देखनी है तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने जो खेला है वो वाला गेम एक बार देख लीजिए, तब आपको इंग्लैंड की जो हॉकी टीम की स्ट्रेंथ है वो पता चल जाएगी। हम 4-0 से क्वार्टर में आगे थे, उन्होंने 4-4 ड्रॉ किए थे लास्ट दो क्वार्टर्स में आके। तो इससे कि इंग्लैंड जैसी टीम को हल्के में नहीं लेना है, इंग्लैंड ही हमारे लिए एक तगड़ा कॉम्पिटिटर रहेगी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, वो एक कॉम्पिटिटर है जिसको आपको नजरअंदाज करना है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। Good.